मामले में फ्लाइट में जो बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी की गई थी उसके बाद से एयर इंडिया ने कई तरीके के बदलाव किए हैं और एक और बदलाव इसी मामले में एक और बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि न्यू सॉफ्टवेयर की बात यहां पर एयर इंडिया ने की है, उस सॉफ्टवेयर से रियल रिपोर्टिंग जो टाइम होगा फ्लाइट के भीतर की घटनाओं का वो पता चल सकेगा। तो एक नया सॉफ्टवेयर लगाएगा एयर इंडिया, ये बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के साथ जो अभद्रता की गई थी उस पूरे मामले में एयर इंडिया ने सबसे पहले अल्कोहल सर्व करने के नियम में बदलाव किया था और उसके बाद ये दूसरा बड़ा बदलाव, दूसरे बड़े बदलाव के तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नया सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा। और हमारे सहयोगी अरुणील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरुणील, ये नए न्यू सॉफ्टवेयर की बात यहाँ पर हो रही, किस तरीके से काम करेगा ये नया सॉफ्टवेयर? जो एक एम्बैरेसिंग जो इंसिडेंट हुआ था, यूरिनेशन इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जैसे आपने बताया कि एयर इंडिया ने काफी चेंजेस बदलाव लाए हैं अपने पॉलिसीज में। अल्कोहल रिव्यू, अल्कोहल सर्विंग रिव्यू पॉलिसी को भी रिव्यू किया गया था और अभी एक यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर क्यूरिसन नाम का वो इंडक्ट किया गया है एयर इंडिया की तरफ से। इसमें हेल्प होगा कि जो रियल टाइम इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग और जो स्टेटस है इन फ्लाइट इंसिडेंट्स का, जैसे कि वो इंसिडेंट भी इन फ्लाइट था, उसके बारे में जल्दी से पता चलेगा, टाइमली एक्शन भी लिया जाएगा और जो टाइम लेने वाले जो जो कागज पत्र काफी जो पेपर वर्क बेसिकली जिसको कहा जाता है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है सॉफ्टवेयर की वजह से। तो इस तरीके से एयर इंडिया ने काफी चेंजेस अपने सिस्टम में लाए हैं और ये सॉफ्टवेयर भी उसमें एक बड़ा चेंज इसको माना जाना चाहिए। एयर इंडिया को काफी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी थी जब भी वो यूरिनेशन का इंसिडेंट हुआ था और तभी जो इसमें पीड़ित महिला है जो उन्होंने भी ये बोला था कि ये टाइमली एक्शन नहीं लिया गया था, बहुत ही जानबूझकर समय को समय वेस्ट किया गया था और एक विटनेस भी इसी बारे में बोला था, उसके बाद एयर इंडिया ने ये सब चेंजेस लाए हैं। जी अरुणिल, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।